जो मर्द औरत की शर्मगाह चूम लेते हैं, समझ लीजिए वो कौन से मर्द हैं और उनकी निशानियां क्या है जो हर हाल में औरत की शर्मगाह को बोसा देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमारे माशरे में औरतें जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, खूबसूरती के बावजूद उसको मर्द के सामने कपड़े उतारने पड़ते हैं। जैसे ही औरत के कपड़े उतारते हैं वो महज गोश्त की हसीयत रखती है। जना हमारे माशरे से कम होगा तो निकाह की नौबत आएगी। अगर निकाह ना हो और नंगी गुफ्तगू करना मॉडर्न है तो जानवर सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इसलिए अपनी तहजीब ना भूलिए, इंसान रहें, जानवर ना बनिए। जिस्म फरोशी कोई जुर्म नहीं है। आप लोगों को जिस्म फरोशी तो नज़र आती है, कभी ख़रीदार के बारे में भी कुछ अल्ज़ाम दिया करो। आजकल के दौर की मोहब्बत सिर्फ हवस पूरी करने का नाम है। जब तक जिस्म मिलता रहेगा मोहब्बत होती रहेगी। एक बार इनकार मोहब्बत ख़त्म। हया का दरस सिर्फ आज की औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर मर्द ये फिक्रा ज़रूर कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये मोहब्बत क्या होती है कोई बताए मुझे। एक चलाक मर्द औरत को बातों से लेकर अकेले कमरे तक ले जाता है। उसमें गलती औरत की होती है और गुनाह में दोनों बराबर के शरीक हैं। जब मर्द औरत की शर्मगाह चूम ले तो समझ जाना वो हवस का भरा हुआ मर्द है। दुनिया की हसीन तरीन औरत भी मर्द पर बोझ बन जाती है। जब वो बीवी बन जाती है, बीवी रूठी सालन की तरह होती है। भूख लगी तो सालन रोटी खा ली और भूख मटा ली। रोज़ की रोटी भूख मटाती है, मज़ा नहीं देती। जायका बदलने के लिए मर्द फिर तवाइफ़ के कोठे का रुख करता है। मर्द अपने हवस को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।